फीवर का सीजन 2 लाइव हो जाएगा 24 सितंबर से, एंड होगा 24 अक्टूबर को, यानी एक मंथ का इवेंट है। आप में से कोई भी इसे मिस मत करना, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। 2% टोटल सप्लाई का हमें एयरड्रॉप मिलेगा, यानी 200 मिलियन टोकन। बाकी इनका और भी सीज़न आएगा, बट सीज़न 2 ज्वाइन करना इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं इस वीडियो में आप लोगों को इनका टोकन मैट्रिक्स भी समझाऊंगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होंगे। सीज़न 1 जिसने भी ज्वाइन किया था ना, सभी लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट्स होने वाला है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट का टोकन है। अगर आप न्यू हो, फेवर के बारे में नहीं जानते, तो ये वीडियो आराम से पूरा देखना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँगा कि किस तरीके से फेवर को यूज़ करना है, किस तरीके से सीज़न 2 में आपको एयरड्रॉप मिलेगा। एंड साथ ही साथ आप लोगों को फरकास्टर का भी थोड़ा बता दूंगा। एंड आप लोग हमारे इस वीडियो को देख सकते हो जहाँ पे कि मैंने फरकास्टर एंड बाकी इकोसिस्टम को कवर किया था। इनके पास फंडिंग बहुत तगड़ा है, तो आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके ज्वाइन कर लेना, मिस मत करना, क्योंकि फरकास्टर का जो एयरड्रॉप है Q4 या फिर नेक्स्ट ईयर का Q1 में आपको देखने को मिल सकता है। इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, तो मिस मत करना। बाकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, जैसे कि किस तरीके से आप फेवर को मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल में पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। आप में से जो भी न्यू हो ना, आप अभी तक फेवर को ज्वाइन नहीं किया है, फटाक से कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हमारा कोड भी यूज़ कर लेना, ताकि आपको भी 1000 पॉइंट्स मिल जाए और हमें भी 1000 पॉइंट्स मिल जाए, यानी विन विन सिचुएशन है। बाकी इनका टोकन मैट्रिक्स एंड जितनी भी डिटेल्स है सारा कुछ बताऊंगा, ताकि आप लॉन्ग टर्म इस प्रोजेक्ट को देख पाओ। बाकी इनकी वेबसाइट में भी जो भी डिटेल्स है वो भी आपको समझाऊंगा। प्री मार्केट में प्राइस कुछ इतना चल रहा है, तो लिस्टिंग प्राइस कितना हो सकता है वो आपको बताऊंगा। एंड बाइनांस लिस्टिंग पॉसिबल है कि नहीं वो बताऊंगा। एंड बाकी किस तरीके से आप क्लेम कर पाओगे ये भी आपको समझाने वाला हूँ। यानी ओवरऑल आपको इस वीडियो में सब कुछ फेवर के बारे में जानने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को आराम से पूरा देखना। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। एज वेल एज आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, या फिर न्यू एयरड्रॉप होता है, आपको सबसे पहले इधर ही देखने को मिलता है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से सीजन 1 का जो टोकन है क्लेम कर पाएंगे, कब क्लेम कर पाएंगे। एंड अगर आप सीजन 2 भी ज्वाइन करते हो, तो आप इधर ही से अपने टोकन को क्लेम कर पाओगे, चेक कर पाओगे, एंड डिटेल्स आप रीड कर पाओगे। तो फेयरड्रॉप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसके वेबसाइट पे आना। एंड देन यहाँ पे आप लोग अपना यूजर नेम डाल देना, जैसे कि मैं अपना यूजर नेम डालता हूँ NEQ। एंड देखते हैं कितना टोकन मुझे एलोकेट हुआ है इस अकाउंट पे। तो बहुत कम हुआ है, क्योंकि ये मेरा न्यू अकाउंट था। हम लोग फेवर को 2022 से कर रहे हैं। 2023 में मैंने मल्टीपल वीडियोज़ आपको दिए थे, हम लोग लाइव स्ट्रीम में भी इसके बारे में बात करते थे। अगर आपने हमें फॉलो किया है, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास लाखों टोकन्स होंगे। एंड हमारे कम्युनिटी के पास है भी, एटलीस्ट आपके पास 50 से ज़्यादा टोकन्स होंगे। जैसे कि हमारा जो मेन अकाउंट है, ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया था, फोकस मतलब ज़्यादा टाइम देना। आप लोगों ने अगर ज़्यादा टाइम दिया है, तो आप लोगों के पास इजीली 50 से प्लस टोकन्स होंगे, जैसे कि मेरे पास कुछ इतना है। सो ये वाला जो एयरड्रॉप है ना, टोटली फेयर है, इसलिए इसका नाम ही है फेयर ड्रॉप। सो अगर आप इस तरीके का प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, तो चैनल के साथ बने रहना। आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट बताता रहता हूँ, जहाँ से कि हम लोगों को लाखों का प्रॉफिट्स होते हैं जेन्युइन वर्क करने पे। तो अब यहाँ पे किस तरीके से टोकन क्लेम कर पाओगे, तो सिंपल है, आप फेयर ड्रॉप पे आओगे एंड यहाँ पे क्लेम सीजन 1 फेयर ड्रॉप करके आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना वैलेट कनेक्ट करना है, जो कि आपका फेवर में जो प्राइमरी वैलेट है, उसी के थ्रू आप क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो फेवर में प्राइमरी वैलेट ऑलरेडी आपका कनेक्टेड होगा, तो आप अपना जो वैलेट है वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर देना। एंड देन आपका जो टोकन्स है TGE के 1 घंटा पहले क्लेम होगा। टेंशन मत लेना, क्लेम के टाइम मैं लाइव वीडियो बना के बताऊंगा, मैं लाइव अपना टोकन क्लेम करके दिखाऊंगा। तो क्लेम का टेंशन ना लो, जस्ट आप अपने वैलेट पे बेस इथेरियम डिपॉजिट कर लेना, क्योंकि कुछ अमाउंट का आपको फ़ी लगेगा, लाइक $0.1 या फिर $0.2, इतना ही लगेगा। तो आप जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हो, वहाँ से इथेरियम को बाई कर लेना, एंड देन आप बेस चेन पे सेंड कर देना। आप अपनी मेटामास्क का एड्रेस कॉपी करोगे, तो इसी एड्रेस पे आप बेसिकली इथेरियम को बेस चेन पे भेज देना, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बेस सर्च करके दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना जो टोकन है होल्ड कर लिया है, यानी $4-5, इतना तो फ़ी नहीं लगेगा, जस्ट $0.1 लगेगा, $0.2 या फिर $0.3 ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो इतना फ़ी आप लोग ऐड कर लेना, देन जब क्लेम करना होगा तो मैं लाइव वीडियो बना के बता दूंगा। अब बताते हैं टोकन का प्राइस क्या हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम जो एवे मार्केट है ना आपका, इस पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली प्राइस कितना हो सकता है फेवर का। तो अभी प्री मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.26 यानी 0.026। तो ये आपका प्री मार्केट प्राइस है, प्री ट्रेडिंग यहाँ पे हो रहा है। एंड वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा निकल के आया है 24 आवर में। हैमस्टर कॉम्बैट का भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, बहुत कम है, यानी हैमस्टर से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है फेवर का। तो वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा निकल के आया है और प्राइस अभी प्री मार्केट में इतना चल रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फेवर का जो लिस्टिंग है ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस पे हो रहे हैं, यानी जो भी टीयर वन एक्सचेंजेस है ऑलरेडी इन्होंने अपडेट भी किया था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 10 AM UTC को लिस्टिंग होने वाला है, यानी 3:30 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। इस टाइम में आप रेडी रहना, यानी 3:30 को लिस्टिंग होगा, उसके एक घंटा पहले यानी 2:30 को आपका क्लेम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कहाँ कहाँ लिस्ट हो रहा है, बाईबिट, कुकॉइन, गेट.io, बिटगेट, MEXC, BingX में भी कल तक और ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो, कल नहीं मतलब कि आज ही।
बता। आई होप कि आप लोगों को बेसिक डिटेल्स पता चल गया होगा। जो टोकन मैट्रिक्स है वो भी मैंने आपको बता दिया, 10 बिलियन टोटल सप्लाई है एंड ऑलरेडी 4% जो है हमारा टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा सीज़न 1 के लिए एंड सीज़न 2 के लिए 2% होगा, बाकी सीज़न 3 भी आएगा तो उसमें पता नहीं कितना परसेंट होगा, वो बाकी बाद में रिवील होगा। और टोकन का जो इनिशियल सप्लाई है वो मैं आपको 24 सितंबर को बताऊंगा लिस्टिंग से पहले। तो आप लोगों को बेसिक पूरा मैंने बता ही दिया, अब यहाँ से प्रैक्टिकल बात करते हैं किस तरीके से आपको एयरड्रॉप को ज्वाइन करना है और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे एंड क्या क्या टूल्स हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहला टूल तो यही है कि आपको फेवर डाउनलोड करना है, फेवर का मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड हमारा कोड यूज़ कर लेना XYZ Crypto, जिससे कि आपको भी 1000 पॉइंट्स मिल जाएगा और हमें भी 1000 पॉइंट्स मिल जाएगा, ओके इनिशियल में। तो पहला काम ये करना है एंड दूसरा काम आपको मिसेज ब्राउज़र डाउनलोड करना है। अगर आपके पास मिसेज ब्राउज़र नहीं है तो आप मिसेज सर्च करना प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लेना एंड जैसे डाउनलोड करोगे अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड या फिर एक्सटेंशन ऐड करना है मेटामस्क का, ठीक है। जैसे कि मेटामस्क का एक्सटेंशन के लिए आप अपने ब्राउज़र पे सर्च करना मेटामस्क, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेटामस्क जैसे सर्च करोगे आपका ब्राउज़र पे मेटामस्क ओपन होगा। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्लो वर्क कर रहा है जो ब्राउज़र है, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मेटामस्क है ओपन हो चुका है। थोड़ा सा वेट, थोड़ा स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखेगा आपको। तो मेटामास्क का हमें एक्सटेंशन बेसिकली ऐड करना है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पहला वाला जो मिलेगा लिंक, पहला वाला नहीं, यहाँ पे तीसरा वाला जो क्रोम करके नहीं है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से क्रोम वेब स्टोर करके अगर आपको दिखता है तो इस पर क्लिक करना, देन ऐड करके लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, देख सकते हो ऐड करके। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये जो आपका एक्सटेंशन है आपके ब्राउज़र पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जैसे मेरा ऐड है, जैसे ऐड हो जाएगा आप मेटामास्क में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो मेटामास्क के बारे में आपको नहीं पता, आप पूरा कंप्लीट बिगनर हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत इजी है। तो मेटामास्क आप लोग डाउनलोड करने के बाद यानी अपने ब्राउज़र पे ऐड करने के बाद अकाउंट क्रिएट कर लेना, अपना जो सीड फ्रेज है उसको आप लोग कहीं पर कॉपी कलम में लिख के रख देना, ओके। तो इतना हो गया, अब आपको दो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा तो इसको मैं हटा देता हूँ। पहला प्लेटफॉर्म है हमारा फेवर कनेक्ट करके, ठीक है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। एंड दूसरा हमारा है ये वाला reputation.anima.io, तो इसको अभी साइड में रखते हैं, अब डायरेक्ट मैं एप्लीकेशन पे आता हूँ, ओके। तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है लिटरली यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड देखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, यूज़ करने में अच्छा लगेगा। तो अब बेसिक में इंटरफेस बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ ये स्टिक है जो कि अगर आप लेवल 2 में जाओगे तो आपको मिलेगा और इस स्टिक को आपको बेसिकली यूज़ करना है, यानी किसी के पोस्ट में आपको यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स के लिए आपको यहाँ पे ये जो आपका प्रोफाइल है, अब पॉइंट्स कहाँ पे दिखता है तो पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। वेट, ये देख सकते हो ये पॉइंट्स है आपका, जैसे मेरे पास 1,27,000 पॉइंट्स है तो आपको यहीं पर पॉइंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपका सीज़न 2 एयरड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप लेवल 2 में जाते हो तो आपका जो पॉइंट्स है वो 10,000 कन्वर्ट हो जाएगा फेवर टोकन में, जिसको आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप लेवल 3 में जाते हो तो फिर आपका जो पॉइंट्स है 30,000 कन्वर्ट होंगे सोशल टोकन में। तो इस तरीके से आपके पास जितना ज़्यादा पॉइंट्स होगा और जितना ज़्यादा लेवल होगा, जैसे मेरा अभी लेवल 3 में है तो मेरा 30,000 पॉइंट सीज़न 2 में कन्वर्ट होंगे फेवर टोकन में। एंड अगर मुझे 30,000 टोकन से ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए सोशल टोकन मुझे होल्ड करना पड़ेगा अपने वैलेट में, जिससे कि मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मल्टीप्लायर, जिससे कि मेरा 30,000 टोकन हो जाएगा ज़्यादा, यानी 50,000 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा मैं टोकन अपने वैलेट में होल्ड करता हूँ। अब मैं वैलेट में होल्ड करूँगा तो किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो टोकन है यानी मल्टीप्लायर मिलेगा वो भी अभी आप बताता हूँ, बट पहले बेसिक बता देता हूँ। तो बेसिक समझ में आ गया, पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखेगा और ये आपका टोकन में कन्वर्ट होंगे बेसिकली, ओके। तो ये स्टिक का गेम आपको समझ में आ गया, ये स्टिक आपको बेसिकली देना है डेली बेसिस पे जिससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो है ना मेरा जो L3 दिख रहा है इस पर, अब यहाँ पे मेन गेम है। सबसे पहले माई अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है माई वैलेट। तो सबसे पहले माई वैलेट पर आकर के ये जो वैलेट है ये प्राइमरी वैलेट है, इसी में आप अपने टोकन्स को क्लेम वगैरह कर पाओगे। तो आप क्या करना, अपना वैलेट यहाँ पे मतलब ऐड कर लें, जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करके आपके पास अगर मेटामास्क है, ओके, या फिर वैलेट कनेक्ट पे क्लिक करके आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे वैलेट कनेक्ट कर लेना अपना जो मेटामास्क वैलेट है, जैसे मेटामास्क वैलेट यहाँ पे खुद ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेटामास्क वैलेट को आप कनेक्ट कर लेना, और अगर मेटामास्क वैलेट यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या करना, प्ले स्टोर पर जाना, जैसे कि मैं जाता हूँ, ठीक है। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आप मेटामास्क सर्च कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप मेटामास्क डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, जो कि आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि देख पा रहे होंगे, ठीक है।
मेटामास्क यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, और जो ब्राउज़र पे आपने ब्राउज़र पे जिस मतलब मैं बताता हूँ, वेट वेट यार, बिगिनर फ्रेंडली बना रहा हूँ इसलिए मुझे सारा बेसिक बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो मेटामास्क है आपने जो ब्राउज़र पे ऐड किया है इस वाले मेटामास्क में, और इसका जो अकाउंट आपने क्रिएट किया है, अब यहाँ से आपको जो सीड फ्रेज़ मिला था ना स्टार्टिंग में, सीड फ्रेज़ जो मिला था उसी सीड फ्रेज़ को आप लोग जो आपका जो मेटामास्क यहाँ पे आएगा यानी जो आप डाउनलोड करोगे इसमें आप लोग जो है ना पेस्ट कर देना अपने जो सीड फ्रेज़ यानी इम्पोर्ट कर देना, इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा तो आपका सेम अकाउंट रहेगा यानी ब्राउज़र पर भी सेम रहेगा और आपके जो मोबाइल है यानी ऐप जो आपका रहेगा उसमें भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। एंड देन वैलेट कनेक्ट कर देना, जिसे करोगे मेरे तरह यहाँ पे प्राइमरी वैलेट आपको दिख जाएगा। राइट, अब आप अपने वैलेट में जो भी चीज़ होल्ड करोगे वो ऑटोमेटिक फेवर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वैलेट कनेक्ट का। अब आ गया माई वैलेट, माई अकाउंट का। तो माई अकाउंट पर जैसे कि आपके पास लेंस होना चाहिए, लेंस का आपको अलग बेसिकली बेनिफिट मिलता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है तो उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा, क्योंकि सारा बेसिक बताऊंगा तो यार बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना मैं लंबा नहीं बना पाऊंगा। तो मैं एक वीडियो जो मैंने बता के रखा है कि किस तरीके से आपको लेंस यहाँ पे कनेक्ट करना है ये सारा, उसका आपको वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, देख लेना, बेसिक है। ओके, तो ये अकाउंट आप कनेक्ट कर देना। अब जो हम NFT बाई किए थे ना जो ओपन सी में मैंने दिखाया था, उसके लिए आपको ये अर्निंग क्रेड पर आकर के यहाँ पर आपको सारे NFTs वगैरह दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जो भी NFTs वगैरह आप होल्ड कर रहे हो अपने वैलेट में वो यहाँ पे दिखेगा और उसके बेसिस पे आपको क्रेड मिलेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे अभी 15 क्रेड मिल रहा है, ठीक है, 13 क्रेड आई थिंक पर डे का। ठीक है, तो क्रेड से क्या होगा, आपका लेवल बढ़ेगा। अब लेवल के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लेवल है और यहाँ पे आपको 30 डेज़ के अंदर लेवल अप करना है। अगर 30 डेज़ के अगर अंदर नहीं करते हो तो आपका लेवल नहीं अप होता है। तो लेवल अप करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक आइकन दिख रहा होगा आई करके, यहाँ पे आप समझ सकते हो कितना क्रेड चाहिए होगा लेवल बनाने के लिए। लेवल 2 में आने के लिए बहुत सिंपल है, आप 10 क्रेड 30 डेज़ के अंदर कर ही लोगे, जो कि हर कोई कर सकता है, बहुत इजी है, जो कि फ्री में हो जाएगा। लेकिन लेवल 3 में आने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ इतना क्रेड यानी 250 क्रेड 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो 30 डेज़ के अंदर आने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ NFTs वगैरह, तभी जाके कर पाओगे। तो एक तो एनिमो का आपको फ्री में मिल जाएगा जिसमें कि 5 क्रेड आपको मिल जाता है, और तो यहाँ पे और फ्री वाला नहीं है। उसके बाद आपको वही है, आपको इनके NFT को बाई करना पड़ेगा तभी जाके होगा। अगर आप ये वाला ले लेते हो तो आप लेवल 2 में आ जाओगे, यानी 10,000 पॉइंट्स को आप कन्वर्ट कर पाओगे यानी टोटली फ्री में। ये वाला फ्री वाला एयर ड्रॉप है, ठीक है, यानी 10,000 पॉइंट्स को आप इजीली फेवर टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट होता है NFT का गेम, क्योंकि ये तो फ्री है। जैसे एनिमा वाला कैसे कर पाओगे बता देता हूँ, जो फ्री में करना चाहता है तो आपको 10,000 पॉइंट मिल जाएगा, उसको आप टोकन में कन्वर्ट कर लोगे। अब इसके लिए मैंने बताया था ना कि ये वाला जो वेबसाइट है एनिमा करके, इस पे आना है और अपना वैलेट को कनेक्ट कर देना है जो आपने ब्राउज़र पे ऐड किया है। तो दिखाता हूँ मैं, थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ना ब्राउज़र वैलेट आपको चूज़ करना है जब भी आप कनेक्ट करोगे। तो देखो इस तरीके से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, वेट वेट वेट, एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखो कनेक्ट का ऑप्शन आया, अब यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा तो अभी हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री वालों के लिए है और आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों के लिए भी, यानी दोनों के लिए है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। तो देखो आपका वैलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब साइन का ऑप्शन आएगा तो साइन भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो साइन का ऑप्शन आ रहा है तो कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे बेसिकली वैलेट कनेक्ट वगैरह हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये NFT आपको क्लेम करना है टोटली फ्री में। तो क्लेम योर NFT पे क्लिक करना है, फिर से ब्राउज़र। ओके, देखो यार इनके वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही मैं बता देता हूँ। ये क्लेम पे क्लिक करना, फेस वेरिफिकेशन करना है, जैसे कर लोगे आपको मिलेगा टोटल NFT। जैसे आपको मिल जाता है आ जाएगा, तो जैसे आप आ जाओगे आपका यहाँ पे NFT ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेट वेट वेट, ओके, तो यहाँ पे आपका जो NFT है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, जो प्रूफ ऑफ पर्सनहुड है। और आपको यहाँ पे डेली का 5 क्रेड मिलेगा, यानी आप आराम से जो है ना वेट, सो आप आराम से यहाँ पे लेवल 2 में चले जाओगे। एंड लेवल 2 में जाओगे तो आपको पता ही है कि 10,000 पॉइंट्स के आपको टोकेंस मिल जाएंगे। कितना मिलेगा वो अभी आइडिया नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कितना ज़्यादा लोग ज्वाइन करता है। देखो सिंपल चीज़ है, जितना ज़्यादा लोग ज्वाइन करेगा उतना कम एलोकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं करने वाला, देखते हैं क्या होता है। बट बहुत सिंपल चीज़ है, आप इजीली कर सकते हो। और फेवर को सिर्फ एयरड्रॉप के लिए नहीं, आप यहाँ पे इसको बहुत सारे मल्टीपल एयरड्रॉप में एलिजिबल होने के लिए भी कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोज में बताया कि इसके वजह से हमें फ्री में लेंस मिला था जिसका प्राइस था $80 से $100 का, एंड और भी बहुत सारे हमें एयरड्रॉप भी मिले इसके वजह से। राइट, तो फेवर सिर्फ फेवर का एयरड्रॉप के लिए नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल एयरड्रॉप में एलिजिबल हो सकते हैं, बहुत कुछ सीख भी पाओगे आप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप जैसे हो जाता है आपका ये वाला यानी NFT, तो आपको यहाँ पे क्रेड मिल जाएगा। यहाँ पे डेली क्रेड आपको दिखते हैं, कितने पॉइंट्स आप डेली अर्न कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिखेगा लेटेस्ट अर्निंग पे। ठीक है, तो जैसे पॉइंट्स आप यहाँ पे अर्न करते हो पॉइंट्स यहाँ पे दिख जाएगा और क्रेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और 30 डेज़ के अंदर आप लोगों को बेसिकली 5
क्रेड करना पड़ेगा, यानी 10 क्रेड, जो कि आप इजीली कर ही लोगे। लेवल 2 में तो आप आराम से ऐसे ही आ जाओगे, यानी आपको 10K पॉइंट्स का टोकन मिल जाएगा। एंड अगर आप लेवल 3 में आना चाहते हो, देन जो NFT मैंने बताया जो OpenSea में, उसको बाई कर लेना। एंड अगर आप बाई कर रखा है तो आप उसको कैसे कनेक्ट करना है फेवर में, तो उसके लिए मैं एक और वेबसाइट यहाँ पे दूंगा जिसका नाम है फेवर कनेक्ट। इस पे जो ईमेल से आपने फेवर पे अकाउंट बनाया है, क्रिएट किया है, उसी ईमेल को यहाँ पे डालना है। जैसे मैं देखो अपना ईमेल वगैरह डाल के दिखाता हूँ। बेसिकली कनेक्ट मतलब ईमेल से मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे ना, तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई माई NFTs करके, तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो वेरीफाई करने के लिए आपको वैलेट कनेक्ट बोलेगा, तो जो वैलेट में आपने NFT को होल्ड कर रखा है ना, अब यहाँ पे वेट देखो इस तरीके से इस पर क्लिक करना है, और आपका जो NFT है वो आपका वैलेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैं रुको एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। सर यहाँ पे ना ब्राउज़र पे काम नहीं कर रहा है, तो मैंने जो आपको वैलेट ऐप जो डाउनलोड करवाया था मेटामास्क का, इस पर आना है। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को बेसिकली वेट में दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये इंटरनेट का इशू है, तो यहाँ पे आ जाना इस वाले, जब जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आने के बाद इनके ब्राउज़र पे पेस्ट करके वैलेट कनेक्ट करके इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वेट, तो यहाँ पे न्यू सर्च करेंगे या फिर पेस्ट कर देंगे जो हमने आपको लिंक दिया है, इसी लिंक को आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे आपका जो ब्राउज़र है मतलब आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से फेवर डॉट कनेक्ट करके। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ईमेल देके अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी लॉगिन कर लेता हूँ। सो देख सकते हो अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब कनेक्ट वैलेट जो हम कर रहे थे वही करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो देख सकते हो कनेक्ट पे आ गया। अब देखो इस तरीके से हमारा NFTs जो है दिख जाएगा, जैसे कि ये NFT मेरे पास है तो यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो हमने मैंने जो लिया था NFT, जैसे मेरे पास ब्रॉन्ज वाला है, तो देखो मेरा NFT यहाँ पे शो हो गया ना। आपका भी ऐसे ही शो हो जाएगा जब आप NFT परचेज़ कर लोगे, बाई कर लोगे। अब NFT कैसे बाई करना पड़ता है OpenSea में, अगर आप टोटली बिगनर हो तो YouTube पे वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। तो अब इन NFTs को हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। सिंपली जो आप NFT लोगे उसको वेरीफाई करके साइन कर देना, तो यहाँ पे आपका जो NFT है वो फेवर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो फेवर कनेक्ट का यही काम है कि आपके जो NFTs है उसको फेवर ऐप के साथ सिंक करना, ठीक है, ताकि जो भी NFTs आपके वैलेट में हो वो सारा जो NFT है आपके फेवर पे दिखे और उसका आपको बेनिफिट मिले। तो देख सकते हो यू ऑल आर सेट, ठीक है, यू आर ऑल सेट, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन में और यहाँ पे हमें दिखाता हूँ कि हमारा कनेक्ट हुआ भी कि नहीं और हमें मिलेगा कि नहीं। वेट, तो अभी तक हुआ नहीं है, तो ये कुछ टाइम लगता है। अच्छा हो गया, आपके सामने ही हो गया। तो देख सकते हो मेरे पास 3 NFTs है, तो मुझे 6 × 3 यानी 12 मतलब 18 मुझे क्रेड मिलेंगे पर डे के। तो मेरा जो लेवल है लेवल 4 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप NFTs परचेस करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे क्रेड मिलेगा, और क्रेड आपका लेवल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और आपका जितना लेवल होगा उतना पॉइंट्स को आप टोकन में कन्वर्ट कर पाओगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है तो इसको मत लेना। आप जो लेवल 2 में जाओगे फ्री में, जो कि मैंने बताया इसको लेने के बाद, तो आप लोगों को 10K पॉइंट्स का जो टोकन्स मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। यानी आप कितना प्रॉफिट होगा वो तो नहीं आइडिया, जितना कम लोग ज्वाइन करेगा उतना अच्छा एडो मिलेगा। ऐसे भी सीज़न 2 बहुत कम ही लोग करते हैं, तो प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो मैंने बता दिया, सबसे पहले तो आपको क्रेड से लेवल बढ़ाना है। क्रेड के लिए आपको NFT परचेस करना पड़ेगा जिसमें आपको पैसा लगेगा। बाकी फ्री वाले क्रेड, फ्री वाले कुछ टास्क आते हैं तो बता दूंगा। हमने सीज़न 1 में कोई भी NFT वगैरह नहीं लिया था, टोटली फ्री था, यानी टोटली फ्री, एक भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट नहीं किया। और हमें जो है ना 50K तक टोकन मिले, यानी जो भी हमारे कम्युनिटी में है लोगों को 20,000-30,000 टोकन मिला है, यानी आराम से $100-200 प्लस का प्रॉफिट होगा। ओके, कल पता चल जाएगा। तो सबसे पहला आपको क्रेड बनाने के लिए NFTs लेने हैं, ओके। और आपको अगर मल्टीप्लायर चाहिए यानी ज़्यादा टोकन चाहिए, तो आपको सोशल टोकन को अपने वैलेट में होल्ड करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडो मिलेगा सीज़न 2 में। लेकिन आप फ्री वाले बंदे हो, आपको सिर्फ फ्री में करना है, तो लेवल 2 कर लेना। उसके बाद आपके पास 10,000 पॉइंट्स हो जाना चाहिए, क्योंकि 10,000 पॉइंट आपके टोकन में कन्वर्ट होंगे। 10,000 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे स्टिक मिल जाएगा सीज़न 2 में जाने के बाद, तो आप डेली यहाँ पे वो कर सकते हो, लाइक किसी को भी स्टिक कर सकते हो। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, आप यहाँ पे मुझे स्टिक दे सकते हो, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डेली पोस्ट वगैरह कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप प्लस पे जाओगे ना, ओके, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप पोस्ट करो। तो मैं यहाँ पे देखो पोस्ट कर देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे वेट, चलो ये मैं पोस्ट कर देता हूँ सीड का जो है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, तो आप इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, जैसे एक्सपोर्टिंग, एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, सीड एयर कमिंग करके, ओके। एंड यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन ऊपर में। एंड यहाँ पे देखो यार, यही तो फ़ायदा है भाई।